आपका बेहद शुक्र कि आपने हमारे कुछ प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करवाई। आज के इस पूर्वकाल प्रोग्राम के हमारे मुख्यमंत्री इज्जतमान कमांडर सिख सेक्टर ब्रिगेड जनाब हमदर्द इकबाल है और आज की तकलीफ की साहस करवा रहे हैं इज्जतमान जो आप डिप्टी कमिश्नर बाग सरदार अब्दुल भाई साहब एफ जी फतेहपुर बाग ऐसा 35 साल से बाग के आवाम के बाग के लोगों के लिए और बाग के नई तामीरशुदा इमारत को एफ जी के चार्ज में दे दिया गया। ये तो स्कूल की तारीख के हवाले से था। अब एक नजर स्कूल हदा की जबकि 5 तलबात ने 1000 से ज्यादा नंबरात हासिल किए। इसी तरह साल 2018 में मैट्रिक में 18 बच्चों ने A+ ग्रेड, 11 बच्चों ने A ग्रेड और 6 बच्चों ने B ग्रेड हासिल किया, जो क्लास का GPA 5.34 रहा और नतीजा 100% रहा। इसी तरह जमात नहम से 12 बच्चे A+ ग्रेड में, 18 बच्चे A ग्रेड, 15 बच्चे B और 5 बच्चे C ग्रेड में कामयाब हुए। क्लास वन में जो हमारा रिजल्ट है वो 98% है। क्लास टू में हमारा जो रिजल्ट है वो 95% है। क्लास थ्री में हमारा रिजल्ट है 92%। क्लास फोर में हमारा रिजल्ट है 93% और क्लास फाइव में 87% है। क्लास सिक्स में हमारा रिजल्ट 100% है। क्लास सेवन में 93% रिजल्ट है। क्लास एट में 90% रिजल्ट है और इस तरह अपनी प्रदर्शन बाद का 2018-19 का जो नतीजा है वो 93% है। ये बात याद रहे कि जो रिजल्ट का पाल करते हैं ये हम FGI डायरेक्टरेट की जो SOP है उसके मुताबिक हम करते हैं। हम अपनी तरफ से कोई क्राइटेरिया नहीं बनाते, जो डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट ने हमें क्राइटेरिया दिया होता है उसके मुताबिक जब वो रिजल्ट का पाल करते हैं और इस साल का जो हमारा नतीजा है वो वतन।
तो ये आपकी ताकत है, ये आपकी सोच है
जिसको मैं सलाम भी करता हूं और मैं इसके ऊपर भरपूर फख्र भी करता हूं। ये जरूर बात याद रखिएगा कि कुरान भी इस चीज का जो है वो हमें खास तौर पर मैसेज देता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी के ऊपर हमें तरबियत दी और तालीमात दी कि हम एज ए कौम, हम एज ए मुसलमान जब तक हम इत्तेहाद में रहेंगे कोई दुनिया का दुश्मन किसी तरह से हमारी तरफ से एक बुरी नजर से नहीं देखेगा। लेकिन जिस दिन हम तकलीफ हो जाएंगे, हम एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और इस तरह के मसले मसाइल पैदा करना शुरू कर देंगे तो फिर मैं आपको बताऊं कि कोई अंदर की ताकत जो है वो उसको इस तरह की तकसीम को, इस शिकस्त को रोक नहीं सकती। चाहे वो जितनी मर्जी मजबूत अफवाज पाकिस्तान हो या और जितने मर्जी आपके पास एटम बम हो, न्यूक्लियर हो, जो मिसाइल, तो इसलिए हमें अपनी सभा में हर तरह हमें इतिहाद रखना है और इंशाअल्लाह इस इतिहाद को कायम करने के लिए हम सब, चाहे छोटा है बड़ा है, किसी भी तबके से ताल्लुक रखता है, उसने इसके अंदर अपनी शमूलियत करनी है और अपना हिस्सा डालना है। पहले ही के अच्छे हालात पैदा किए और बहुत तरह से सपोर्ट किया और उनके साथ इकराम ने क्लास रूम के अंदर, स्कूल के अंदर उनके ऊपर मेहनत की, जिसकी वजह से उन्होंने आज ये मर्तबा हासिल किया, ये परफॉर्मेंस दी और यहाँ पे स्टेज पे आके उन्होंने अपने प्राइज भी लिया और एक अप्रिसिएशन भी बोली। तो मैं खास तौर पे वालदैन को इसमें बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। और वालदैन के बाद अगली जिम्मेदारी जो है ना सत्ता इकराम के ऊपर जाती है कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने बच्चों के साथ उस तरह का रवैया रखना है। मैं ये नहीं चाहूंगा और खासतौर पर मैं आज ये चीज आप सबकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि इस्तेमाल कराम के लिए कि अगर वालदैन अपने बच्चे की कोई मुश्किल, कोई मसला मसाइल इस्तेमाल कराम के पास लेके जाता है तो इसका हर किस मतलब नहीं है कि इस्तेमाल कराम जो है उसको एक गलत किस्म का तसल्ली देने की कोशिश करे, उसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये बच्चे, इनकी हमने करेक्शन करनी है और इनकी हमने ग्रूमिंग करनी है। और अगर वालदैन समझते हैं कि कहीं किसी जगह में कोई कमी पेशी है, किसी वजह से भी हो सकती है, लेकिन उसका हर किस ये इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए वालदैन के साथ। खासतौर पर जो टीचर्स हैं इनके लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हर वो चीज जो कि वालदैन की तरफ से प्रिंसिपल को या उनके टीचर के पास आए तो ब्राइट कर्म उसको बड़े पॉजिटिवली लें और उसके ऊपर जो है जो भी आप कर सकते हैं उसके बच्चे के मुस्तकबिल को आपने खराब नहीं करना। खराब करना किसी बच्चे को बड़ा आसान है लेकिन किसी की जिंदगी को बनाना, किसी के मुस्तकबिल को बनाना जो है ये जिम्मेदारी है और बड़ा इसमें ये वक्त तलब और मेहनत तलब के काम है। ये आपके पास क्योंकि अगर टीचर आज अगर एक तनख्वाह ले रहा है तो वो तनख्वाह इन लोगों के टैक्सों की वजह से ले रहा है, ये लोगों के वो कंट्रीब्यूशन है जो कि हुकूमत की तरफ से लोग मिल रही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका पूरा हक अदा करें और वो जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर सौंपी गई हैं उसको पूरे अपनी नेक नीति के साथ और पूरी दिल जमीन के साथ जो है उसको करके दिखाएं ताकि ये बच्चे जो पहले जो जिक्र कर रहे थे कि बड़े अच्छे आजकल डॉक्टर भी बने हैं, आम फोर्सेस के अंदर भी हैं और इसी तरह आप मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये बच्चे उससे भी बढ़ के जो है ना अच्छे स्कूल के बच्चे अपनी रिप्रेजेंटेशन हर जगह में करें और वो जो रिजल्ट जो आप बता रहे हैं कि 93% है और मैं ये चाहूंगा कि ये 93% से बढ़ के ये 100% से नीचे नहीं आना चाहिए हमारा। और इसके लिए ये नहीं है कि हमने कागजों के ऊपर उसको करना है, हमने एक्चुअली उसको बच्चों के ऊपर मेहनत करके उसका जो है ना सबूत पेश करना है कि बच्चों की मेहनत और समझ के ऊपर पेश करके ये रिजल्ट मिलता है। तो ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा और इसके अंदर खासतौर पर वालदैन की बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं कि जो हम अपने बच्चे को देखते हैं तो जरूर अपने टीचर्स हजरात से जो है उनसे रब्ता करें और उनके साथ इंटरेक्शन करें और बच्चे की फीडबैक लेते रहें। कई वालदैन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते और मैं आपको बताऊँ कि उन वालदैन के बच्चे कि जो अपने बच्चे की तरबियत और तालीम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, मेरी बात याद रखिएगा कि उनके बच्चों की तरबियत या उनकी आगे मंजिल जो है वो उतनी वाजे नहीं होती, तो इसलिए उसके ऊपर भरपूर तरीके से जरूर इन्वॉल्व होगा।
इसी के साथ आखिरी एक दो बातें कि हमारी जहां तक ये थोड़ा सा पीछे हमारा, मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा कि बच्ची बच्चों जो है मेरी तरफ रखिएगा और बातचीत थोड़ी कम करें ताकि बाकी वो लोग जो सुन रहे हैं बातचीत को आराम से सुन सके। देखिए हमारी जो सोशल जिम्मेदारियां हैं, मौसमी जिम्मेदारियां हैं, उनमें से हर एक शख्स जो कि आप इधर बैठा हुआ है, हर एक ही अपने 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 हालात के अंदर या अपने मैदान के अंदर जो है उसकी जिम्मेदारियां हैं। हमने लोगों के लिए, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत पैदा करना है। अगर आप दूसरों के लिए प्यार और मोहब्बत और आसानियां पैदा करेंगे तो मैं आपको पूरे यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूँ कि वो दूसरे लोग भी आपके लिए आसानियां पैदा करेंगे और इस तरह एक माशरे तरतीब देते हैं जो मुहत्तर बनते हैं। अगर आप दूसरे लोगों के लिए, दूसरे खानदानों के लिए, दूसरी कौमियतों के लिए मुश्किल पैदा करेंगे तो वही मुश्किल आपके रस्ते में भी आएंगी। किसी के रस्ते में कांटे उछाएंगे तो वो कांटे आके आपके रस्ते में भी आएंगे। अंधेरों से दूर नहीं होते, अंधेरे जो है वो रोशनी करने से दूर होते हैं। और इसी तरीके से जो नफरतें हैं वो नफरतों से दूर नहीं होती, नफरतें मोहब्बतों से दूर होती हैं। तो ये एक मोहब्बत का एक जो पैगाम है, अमन का, मोहब्बत का पैगाम, ये हमारे दीन ने भी हमें बताया है, हमारे पैगंबर ने भी हमें बताया है, हम इसको लेके चल रहे हैं। और ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको जरूर अपने जहन में शीख कीजिएगा और अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज शामिल कीजिएगा। और आखिरी बात ये है कि अल्लाह ताला जिसने ये जिंदगी, ये सब हमें आजादियां, ये मुल्क, इसकी खूबसूरतियां, इसकी रानाइयां आज हमें दी हैं और आज हम बड़े आराम से और खुशी के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो इसकी कदर कीजिएगा, उसका शुक्र अदा कीजिएगा, उस जात का शुक्र अदा कीजिएगा। और उस जात का शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका जो है वो उसकी, उसके कदमों में गिरना, उसके सामने सरवजूद होना, ये नमाज को कायम करना, वो बड़ा जरूरी है कि हम इसकी, जब उसकी इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करें तो उसके लिए जरूर नमाज पढ़ें और उसका शुक्र अदा करें कि तुमने इतनी अच्छी जिंदगी, इतना अच्छा हमें रिस्क और इज्जत और हमें अता की, तो हमारा हमें हमारा जो है हमारे हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारी अल्लाह ताला की जात, जैसे फेस्टिवल की बात हुई, कुछ हमने उन लोगों को, तमाम हजरात को लास्ट टाइम जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी, पार्टिसिपेशन की और अपनी एक कंट्रीब्यूशन की उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, मैं खासतौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो ये सर्टिफिकेट से और मेडल से और ट्रीट थी, ये बड़े अच्छे से पेंडिंग थी, हम चाहते थे कि उनको ये दे दें ताकि उनको जो सर्विस थी या उनको एफर्ट थी उसको उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसमें, तो हम उसको रिकगनाइज भी करें और अप्रिशिएट भी करें। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए और लोगों के रुझान को या उनके शौक को या उनके जोर दोस्त जज्बे को दिन में रखते हुए हमने दोबारा इस आने वाले अप्रैल के अंदर दोबारा इस फेस्टिवल का अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो सब आप तमाम लोगों को इसका ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका होगा, उसकी पब्लिसिटी भी हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह 20 अप्रैल से लेके और 23 अप्रैल तक ये बाग का स्प्रिंग फेस्टिवल जो है ये दोबारा हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग शामिल होके उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। अपने वो जो आजकल के हालात हैं, वो नफसियाती दबाव है, वो परेशानियां हैं घरों में, कि बैठ के घर में मौका नहीं मिलता बाहर निकल के अपने आप को रिलैक्स कर सकें, कोई रिक्रिएशन कर सकें, कोई तरह के झूले मिलना जुलना आगे कर सकें, तो वो सारी एक्टिविटी प्रोग्राम के अंदर जो है आप उनके लिए अरेंज की जाएगी। और जैसे कल मैंने तमाम डीसी साहब को बताया और स्कूल खासतौर पर जितने भी स्कूल हैं हमारे बाग यहाँ पर 600 से ज़्यादा हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी मैंने कन्वे किया कि अपने बच्चों को जरूर मौका दें ताकि वो अपनी सलाहियतों का भरपूर तरीके से इजहार कर सकें एक पूरी बड़ी ऑडियंस के सामने, क्योंकि इस फेस्टिवल के दौरान इंशाल्लाह इसकी ओपनिंग के ऊपर हम को कमांडर कैन बोर्ड से मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, उन्होंने अपनी आने अपनी अपना छोटी टीम में जरूर इसके अंदर शामिल होगा और इसकी कई तकलीफ का ज़्यादा वो शामिल होंगे, इसलिए वो भी उसके बाकी हमारे जो आज़ाद कश्मीर के मैं बाकी लोग हैं, उत्तरकर्ता लोग हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। और आखिरी दिन जो क्लोजिंग होगा इंशाल्लाह वो हम सभी आज़ाद कश्मीर से दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो आगे हमारी हौसला अफजाई भी करें और खासतौर पर बाकी लोगों की
उसमें एनकरेजमेंट करें कि ये सारी चीज इन्होंने इस तरह की चीज करके अपने आप को मनवा चुके कि ये जो बाघ है ये बाघ का इलाका है और बाघ के ये लोग हैं, इनके अंदर कितनी मोहब्बतें हैं, इनके अंदर कितने ये रंग है, खूबसूरती है, ये लोगों को हम दिखा सकें और उसके लोग आए से आके इससे फायदा भी हासिल कर सकें और यहाँ पे जो टूरिज्म वाला एक आस्पेक्ट है वो भी बढ़ चढ़ आ सके और जिससे लोग अपने माशी तौर पर भी काफ़ी बेहतर तरीके उनको उनके माशी उनके मौके भी मुयसर हो सके ताकि लोग कमाई भी कर सकें। तो इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोग कॉन्फ्रेंस का उन्होंने आए और इसमें भरपूर तरीके से शामिल हुए और ये जो इंतजामिया है स्कूल की एफ जी स्कूल की वो भी इसकी भरपूर तरीके से शाबाश पहुंचते हैं। एक और बात कर रहे थे उसकी पेंशन की, जिस तरह की अपनी बात करूंगा उसकी मैं गौरव करूंगा। ये बहुत शुक्रिया। जहां तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है, मैं इसके अंदर मेरी भरपूर कोशिश थी कि हम इसको करते ताकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनके बच्चे हैं उनको हम इसमें अकोमोडेट कर सकें। इसके अंदर एक तो इसके अंदर ऑलरेडी हमने कुछ काम किया हुआ है और कुछ अभी ये साहब आए हैं उनको मैं उनसे टास्क दूंगा कि जो हम इसको एक्सपेंशन इसमें कर सकते हैं वो एस सी बोर्ड के थ्रू या और को हेडक्वार्टर के थ्रू करके हम कर सकते हैं, इसको जरूर करेंगे। अगर इसको वन सेक्शन अभी स्कूल है इसको टू सेक्शन बनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन भी अगर ये हमारी कोशिश कामयाब होगी इसके एक से ज्यादा सेक्शन बनेंगे, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा मेरी बात मजबूत हो गई है। एक तो 23 मार्च के हवाले से शहर के साथ में बात करूंगा, झुके तो कोहे बराह थे हम जचने तो जहाँ से गुजर गए, झुके तो कोहे बराह थे हम जचने तो जहाँ से गुजर गए, रहे यार हमने कदम के यार का बना दिया। और दूसरा जो आपका आज रिजल्ट की तकरीब है इस पर मैं हूँ, जितने बच्चे पास हुए जिन असाथा ने मेहनत की और जितना अच्छा प्रोग्राम से निकले इस पर आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, तलबा को असाथा को मुबारक। तीसरी और आखिरी बात, आज जिन्हें साल रहता के हमारा जो फेस्टिवल था इसमें जिन नाकाम ने जिन इदारों ने जिन रिलीजियस ने जिन लोगों ने अपनी मेहनत की अपना हिस्सा डाला उनको हमने याद किया है और बुलाया है इस उम्मीद के साथ कि वो इस साल 20 से 23 अप्रैल को होने वाले हमारे स्प्रिंग फेस्टिवल में सारे व्यवस्था से बढ़कर पुरजोश तरीके से बेहतरीन तरीके से इसको यादगार बनाएंगे। इसमें आपके सारे इदारे हमारे साथ शिक्षक के विद्यार्थी एग्जैक्टिव इदारों के अंदर हमारी मैनेजमेंट के तमाम इदारे तमाम अपने तमाम लोग शामिल हैं और हम कहते हैं कि आप एग्जाम का इस इवेंट को लगातार साल से भी आगे बढ़कर तो टूर्नामेंट बनाएंगे। अल्लाह ताला आपका हम सबका आमीन बनाते हो हमारे लिए।